मिस्टर आकाश पवार फ्रॉम इंडरी विलेज हरियाणा सोहना गुड़गांव 122-103। अगर आज आपके पास 18 लाख रुपए होंगे तो आज आपके पास 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक एक करके नाम बताओ सबसे पहले दर्शकों को। थार, क्रेटा, किया। तीनों ही नए मॉडल हैं 2020-2022। विच वन वुड यू लाइक टू बाय फॉर 18 लाख रुपीज इन 2022? सबसे पहले मैं अपनी रिक्वायरमेंट चेक करूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मेरे को फैमिली कार चाहिए जिसमें मेरे को पूरी फैमिली को बिठा के लेके जाना है, प्रॉपर सामान होगा मेरे पास में, सो मैं अपने लिए सजेस्ट करना चाहूंगा किया सेल्टोस या फिर क्रेटा। ओके, अगर मेरे को ऑफ रोडिंग ज्यादा चाहिए, मैं किसी दो के साथ में जाना चाहता हूँ, मैं सिंगल ट्रेवलर हूँ सो और मेरे रोड यहाँ पे खराब है, तो मैं अपने लिए सजेस्ट करूंगा फिर थार। भाई कल की वीडियो में आपने देखा था, हमने आपको दिखाया था 1 करोड़ कार कलेक्शन, वो कैसे कैसे बना था। जीप कंपस 26 लाख, अपनी एक्सयूवी 700 23 लाख, उसके बाद अपनी किया सेल्टोस 12 लाख, उसके बाद अपनी थी उसमें कौन सी थी, किया सेल्टोस काली वाली 18 लाख, और एक गाड़ी थी थार ये भी 18 लाख, तो टोटल बनते 96 लाख। 4 लाख का इसमें काम करवा रखा है SSD वगैरह मान लो, तो 1 करोड़ का कलेक्शन था। आज कितने करोड़ का कलेक्शन है? आज मेरे पास में कलेक्शन है यहाँ पे ये है अपनी 11 लाख। 12 वो तो हम ऐसे ऐसे गिनते ही नहीं है लाइट वाइट। 12 लाख, ये अपनी शायद 17-18 लाख, ये शायद 17-18 लाख, टोटल करके जल्दी बताओ। 36 और 12 हो गए आपके 48 लाख का अपना सामान खड़ा हुआ इधर। आज 50 लाख का सामान आकाश ने अपने गैराज में। यार आपके पास अगर इतना पैसा कहाँ से आता है कि आप रोज रोज नई नई गाड़ियाँ अपने गैराज में खड़ी करते हो? उस मील वील चल रही है क्या आपकी? मील नहीं चल रही है एक्चुअली, ये सब भगवान का दिया और है। भगवान रात को आते हैं, इस पेड़ पे नोट लगा जाते हैं और मैं सुबह सबके उठने से पहले उनको तोड़ लेता हूँ। फिर आप ऐसे नई नई गाड़ियाँ अपने गैराज में खड़ी कर लेते हो। और आप अपनी नोटिनेस कौन से पेड़ से लेके आते हो? नोटिनेस का पेड़ है इधर, देखिए ये जो पेड़ सूख रहे हैं, ये जैसे ही रात को हरे होते हैं नोटिनेस भर जाती है। आपके इंडरी गांव में होते हैं क्या ये पेड़? ये इंडरी गांव के पहाड़ पे होते हैं जो कि लोगों ने हॉन्टेड प्लेस के नाम से बदनाम कर दिया है। अच्छा ये बताता हूँ भाई मैं आपको, ये गाड़ी इसके मतलब प्राइस वाइज अगर आप देखते हो तो थार के बराबर आती है, लेकिन इसके सामने से बच्ची लगती हैं। अब आप देख लो, एक ऐसा मॉन्स्टर सा लगता है और एक ऐसी हल्की मुल्की सी प्यारी सी मासूम सी बच्चियां लगती हैं। जरा देखना भाई ये देखना। अच्छा गाइस अगर आपको चॉइस करनी हो वन बिटवीन दीज टू, विच वन वुड यू लाइक टू पिक? देखिए अगर हम मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं और बॉडी की बात करूं, इंजन यू कैन बी नॉर्मल, तो दोनों में सेम चीजें हैं, और अगर मतलब मुझे जो जल्दी अवेलेबल हो जाएगी मैं उसको पिक कर लूंगा। फिर मैं सर्विसेज भी चेक करूंगा, सर्विसेज किसकी सस्ती हैं किसकी अच्छी। अरे भाई मैं बताता हूँ आपको पूरा सीन, इसको कुछ नहीं पता, ये ह्यूंडई क्रेटा SX है डीजल, ये भी क्या सेल्टोस है। अगर मेरे से कोई ये मेरा फेस दिखा के फिर आप क्या कंटेंट चुरा रही हैं? अगर आप कोई मेरे से पूछो तो ऐसा देखो, लुक वाइज फ्रंट से तो किया सेल्टोस इतनी तगड़ी लगती है ना, और इंटीरियर किया सेल्टोस का तगड़ा, अगर इसमें पैनोरमिक सनरूफ आ जाए तो इसकी सेल बहुत ही कम हो जाएंगी। नहीं यार नहीं, यहाँ तुम गलत हो, यहाँ पे तुम गलत। मैं कहाँ पे सही हूँ? फिर क्रेटा अच्छी लगती है देखने में यार, क्रेटा मतलब देखते ही बनती है गाड़ी। हाँ देख बनती तो है, इसकी चाबी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ह्यूंडई क्रेटा की आपको ऐसी की मिलती है। हुंडई मेरा इंडियन का एक तरीके से पुरानी कंपनी है ना इंडिया की, तो मैं इस पे चला गया। ये सब गाड़ियों में यही देते हैं, देखना इसको होल्ड करके आप रखोगे ना तो ये अनलॉक हो जाता है बस, और जो अपनी महिंद्रा थार है उसके तो कह नहीं क्या, देखना भाई। चलो अब आपका वॉच टाइम मतलब 3-4 मिनट की हो गई वीडियो, अब आप इसको बंद कर सकते हैं। भाई तुझे क्या दिक्कत है? आप ट्रिप के लिए पैसा कमा रहे हो क्या इस वाले चैनल से? अरे यार इसने तो पत्ते खोल दिए, मुझे तो वीडियो में कट लगाना पड़ेगा। ओ नो माय गॉड आकाश प्लीज डोंट एक्सपोज मी। यार ये तुम ट्रिप प्रमोशन के थ्रू जा रहे हो किसी yes. ने तुमको पी किया इसके लिए इसलिए yes. तुम जा रहे हो यस yes. और आप क्यों बार बार धम धम करे जा रहे हो? इसकी बिल्ड क्वालिटी इसकी देख, ह्यूंडई क्रेटा की है मेरे पास, तो जितना चाहे ना उतना दौड़े हो इसको। यार किया से तो इसके डोर बड़े हैवी हैं यार। हाँ देख तू खुद पकड़ के देख। हमने पकड़े हल्के से है तो सही, हल्का माइनर सा डिफरेंस है। तू तो हीटर है ना अपना, वो देख या के फिर भी थोड़े कमजोर है। अच्छा इसमें सनरूफ भी आती है जो कई बार खराब भी हो चुकी है। ओ यार अब तो इसका ये बुरा सा लगने लग गया, मतलब इतने बॉर्डर है ना, एक्सयूवी का देख लिया तो बॉर्डर से अच्छे नहीं लगते।
ये देखो ये चला दी इन लोगों ने 29,434। क्रेटा तो हमारे घर में भी है। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, वो एस है उसमें इतनी फील नहीं आती, देखना बहुत बेसिक बेसिक सी लगती है। इसमें तो पूरा मस्त लगता है इसका सिस्टम, यही है वह जिससे बिखरी मतलब है। अच्छा ऐसी दिखती है, इसमें तो मजा आता है, कहीं जाने आने में तारे दिखते होंगे। तारे नहीं पसंद मेनू, और क्या पसंद तेनू, किया सेल्टर्स पसंद मेनू, मैं नहीं पसंद तेनू, नेवर एवर नथिंग पसंद मेनू, कुआ गिरने जा रहा हूँ मैं है? मतलब कहना ये चाहते हो आप? I'm going in a well. भाई आज हमारे घर 50 लाख रुपए खड़े हुए हैं। तो क्या हो गया? लेना तो सबके घर खड़े हैं, ऐसे तेरे घर को जनों के खड़े हैं। अच्छा ये गैस कर, यहाँ पे फुल नेटवर्क आ रहे हैं तो कौन सी सिम होगी ये, मतलब तू इस गांव का रेजिडेंस है तो वो बता मुझे। एयरटेल है ना, क्योंकि एयरटेल के फुल आते हैं तो शायद एयरटेल की सिम है। एयरटेल की है ना इसमें? वोडा तो तू भी यूज करता है आज तक पाया नहीं? नहीं वोडाफोन के फुल आते ही नहीं भाई, दो डंडे आते हैं पक्का। अरे आई डोंट थिंक सो, राजस्थान के नेटवर्क पकड़ रहा होगा ये ब्रो। इसमें उसमें तो एक्चुअली में तो एयरटेल है यार, वोडा आज के टाइम में कौन देगा? वी तो हो भी सकता है। हाँ वी आई तो है। हाँ हाँ वही। हाँ अभी सनरूफ सही चल गई क्या? ये देखो गाइस अब सनरूफ इसकी सही। अरुण तुम कितना टाइम की वीडियो बनाना चाहते हो, 8 मिनट पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्या? हाँ यार 2-4 पैसे आ जाएंगे भाई, ये कितनी स्लो चल रही है। इतने में तो आदमी का मूड भी बंद हो जाए कि यार रहने दे छोड़, नीचे बैठ जाएंगे। हाँ सही कह रहा है, इतने में तो चल ऐसे कुछ आया और जल्दी कॉल सनरूफ में बाहर निकलूंगा। इतने में बंद हो तो पंखा सा चल गया। डिसलाइक बिग डिसलाइक, ये पहले आ गया ये बाद में आ रही है। लेकिन देखिए समझदार है, इसने सोचा पहले बड़ा जाएगा तब मैं आऊंगा। तो तू क्यों बड़े से पहले जा रहा है घूमने के लिए, पहले बड़े को जाने दे। शट अप यू, शट अप। चलो बंद हो गई यार ये सब ना, का कुछ दिन अच्छे लगते हैं ये फीचर। देखियो अब काम का क्या समस्या बन गई, मेंटेनेंस नहीं है रिलायबल। ले अब घुटन सी होगी यार सनरूफ लग, इसको लगने से ना? भाई यही है बस कि ना आपको केबिन बड़ा बड़ा सा लगता है सनरूफ की मदद से। अब ऑल्टो जैसी लगने लगी अंदर से। सॉरी गाइस ओनर सॉरी, चलो इसको बंद कर दो। ऑल्टो बोल दिया क्रेटा को। ओनर आपको दुख तो नहीं हुआ सुन के? कोई दुख नहीं हुआ भाई। आप 38,000 रुपए किस्त भरते हो पक्का? आज जा रही है भाई, आज ही जा रही है किस्त। तो यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ पे। पता यार अल्टो अल्टो लेते तो फुल कैश आ जाती। कोई मैं तेरे को नहीं लेना चाहता फ्रेम में, तू निकल ना। आ गया यहाँ पे फुटेज लेने, फुटेज खाने आ जाती यार पब्लिक। चलो अरुण भाई आपको एंट्री काम कैसा लगा अरुण पवार का? बिल्कुल बढ़िया भाई, अरुण पवार रहता है ये सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की। अरुण पवार एंट्री रिच मैन। यस बिल्कुल बिल्कुल। देखो भूस दिखाता हूँ आपको। आपने देखा है भूस कभी राजस्थानियों ने? देखा है बिल्कुल भाई, हमारे भी ऐसे ही होते हैं पक्का। 8 मिनट हो तो गए, अब तुम थैंक यू कर सकते हो। आ जाएगा अब, क्या दिक्कत है? अब मिड रोल आ जाएगा, क्या दिक्कत है? कर दे तू, घनी देर से चेंज करने लग रहा है। अगर आपने क्या क्या बो रखा है ये बताओ दर्शकों को थोड़ा। ये आलू बो रखे हैं। इंडिया में क्या क्या होता है? आलू होते हैं, नींबू जो कभी हो ही नहीं रहा है पता नहीं। ये ये आलू हो रखे हैं, ये उसको दिखा दे क्या क्या है। ये अमरूद हो रखे हैं भाई, लगते भी हैं ये। हाँ जब लाए थे तो 3 नींबू इसमें लगे आए थे, बस वही लगे हैं। ये देखो कितना बड़ा गैरेज लगता है। आपने देखा है 50 लाख रुपए कैश नगद देखे आपने? देखो एक सेकंड भाई, देखो यही हमारा चौक है, इसको आप देख ले। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, घर पे मत आए करो यार बिना मेल करे, बिना पूछे, बिना अरुण को मेल किए घर पे मत आया करो यार। हमारी माँ बहनें कभी कभी घर पे अकेली भी रह जाती हैं, हमारी मम्मी भी कभी अकेली रहती हैं, तनीसा बहन भी हमारी अकेली रह जाती है, तो उनके लिए बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है भाई। अगर आपको रिव्यू कराना है पहले मेल कर दीजिए, अरुण अगर रिप्लाई कर दे एग्री कर जाए तो आ जाइए।
वैसे मरता है यार, अजीब हो जाता है हमारे लिए, बहुत अवकड़ हो जाता है। पड़ोसी पड़ोसी भी आते हैं यार, वो भी देखते हैं, वो भी कहते हैं कि कहाँ गाड़ी, मतलब बंदे क्या बाहर आके खड़े हो जाते हैं, बस खड़े ही रहते हैं फिर, तो थोड़ा अजीब हो जाता है। क्यों भाई, सही कह रहे हैं ना। चलो भाई, होप यू विल अंडरस्टैंड एंड नॉट टेक इट नेगेटिवली, थैंक यू सो मच। थोड़ा इसको पॉजिटिव वे से सोचना भाई, थोड़ा तो प्राइवेसी का भी वो रहता है यार। और वैसे भी यार वरुण जा रहा है हफ्ते दो हफ्ते के लिए, तो अब कोई फायदा ही नहीं आने का। हाँ, बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है आजकल, काफी लोग आ रहे थे दिन में तीन तीन चार चार, जब से थार आई है ना, जब से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, तो भाई थोड़ा प्लीज इस बात को पहले मेल कर दो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा 100%, फिर आप आ जाना एक डेट फिक्स करके, तब मिलेंगे भाई, घर पे मत आओ यार। थैंक यू भाई, अब तूने यू बात कहे तो